अगर आप DSSB MCD के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो DSSB रिजल्ट निकाल रहा है बहुत धीरे धीरे निकाल रहा है, इसके रिगार्डिंग हम जल्द ही कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं अगर रिजल्ट नहीं आता है तो। साथियों, इसके रिगार्डिंग हमारे कुछ साथियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से आज मीटिंग करी। केजरीवाल जी आज हिसार के एक गांव में आए थे तो साथियों, हमारे जो साथी थे उन्होंने कल एक लेटर लिखा था केजरीवाल जी को, मीटिंग के लिए टाइम लिया था तो आज उनको मीटिंग के लिए टाइम मिला। हालांकि जो रैली थी, रैली के टाइम पे उनको बहुत ही कम टाइम मिला। इसके बाद जब रैली खत्म हो गई तो अंकित रेडू जी, राम मेहर संधू जी और सुखविंदर दाहिया जी, इन्होंने पर्सनली केजरीवाल जी से मीटिंग करी। तो साथियों, इन्होंने अपनी जो मांग थी, जो DSSB का ढुलमुल रवैया है, इसके बारे में अवगत कराया। इन्होंने कहा कि जो DSSB ने रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया चला रखी है बहुत धीरे है, DSSB रिजल्ट बहुत धीरे धीरे निकाल रहा है। तो इन्होंने केजरीवाल जी को सारी सिचुएशन बताई, जो पेज पे, जो लेटर पे इन्होंने अपनी मांग रख रखी थी, तो इन्होंने सारी चीज दिखाई कि कब वैकेंसी निकली थी, फिर कैंसिल हुआ और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो साथियों, केजरीवाल जी ने सारी चीजें देखकर DSSB मैम को कॉल किया तो मैम ने यही कहा कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन हमारे साथियों ने डिमांड करी कि हमें बताया जाए कि रिजल्ट कब तक आएगा, एक डेट बताई जाए जिससे हमें कुछ लगे कि हाँ रिजल्ट तब तक आएगा। तो साथियों, केजरीवाल जी ने उनसे टाइम पूछा कि हमें ये नहीं कि रिजल्ट जल्दी आएगा, हमें ये बताओ कि रिजल्ट कब तक आएगा, एक डेट बता दो कि इस टाइम तक रिजल्ट आ सकता है। तो साथियों, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी कि जो वहां से जो रिजल्ट मिला है, जो मैडम ने जो बताया है, तो मैम ने कहा है कि जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट मिड फैब तक आ जाएगा, मतलब MCD PRT का रिजल्ट मिड फैब तक आ जाएगा। हम लास्ट फैब तक लगा के चलते हैं, 20 फैब तक लगा के चलते हैं। तो इस मीटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि जो PRT का रिजल्ट है वो लास्ट तक आ जाएगा और प्रक्रिया अभी भी वही है, पहले PGT के रिजल्ट है, फिर TGT के हैं, PGT के कुछ रिजल्ट बचते हैं और अब नंबर है TGT का, और इसके बाद जो NTT वाले हैं और इसके बाद जो आपके PRT वाले हैं, और स्पेशल वालों का काम पूरा हो चुका है, वो बहुत ही जल्दी उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, फाइनल कट ऑफ आने वाली है। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में आप लोगों की ज़रूरत पड़े तो आप तैयार रहें। हालांकि जो आज की मीटिंग थी इससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया है, तो उम्मीद यही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन साथियों, फिर भी आप तैयार रहें, अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो आप आगे आएं, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। इसके बाद जो आज ये साथियों ने जज्बा दिखाया है, केजरीवाल जी से बात करी है और एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया है, तो इसके लिए मैं इन साथियों को धन्यवाद देता हूं दिल से, अपने पूरे चैनल की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं, और आप लोग भी इनको जरूर धन्यवाद दें। तो साथियों, ऐसे साथियों की हमें जरूरत है, आप बिल्कुल सहयोग करें, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी और उम्मीद यही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो साथियों, ये सब कहते हुए मैं विदा चाहता हूं। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।